हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन ऑक्सफोर्ड मालवा एकेडमी एंड टुडे वी आर स्टार्टिंग द सेकंड पार्ट ऑफ आवर चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूजिक। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द सिक्स्थ पैराग्राफ। It is intriguing to watch violin function so effortlessly without hearing। यह बड़ी पेचीदा बात है कि उसके कार्यों को समझना बिना प्रयास के। In our 2 hours, हमारे 2 घंटों discussion, she never missed a word। कि हमारे 2 घंटे के चर्चा में वो एक भी उसने शब्द मिस नहीं किया। Man with bushy beards गिव मी ट्रबल। फिर वो कहती है कि जिस व्यक्ति की दाढ़ी बड़ी बड़ी होती है उसकी बातें मुझे समझने में थोड़ी तकलीफ आती है। सी लाफ्ड, और वो हंस पड़ी। इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स। फिर वो कहती है कि उसके होंठों को मत देखो आप, इट्स द होल फेस, उसके संपूर्ण चेहरे को देखो, स्पेशली द आइज, ख़ास तौर पर उसकी आँखें देखो। She speaks flawlessly with a Scottish lilt। वो Scottish lilt की वजह से, एक छोटे से Scottish की वजह से वो पूरी flawless एकदम निरंतर रूप से बोलती है। My speech is clear, कि मेरी जो भाषा है वो क्लियर है, स्पष्ट है। Because क्योंकि I could hear till I was 11, क्योंकि मैं सुन सकती थी जब मैं 11 साल की थी। मतलब सुन सकती थी क्या, महसूस कर सकती थी, क्योंकि सुनाई तो पड़ता नहीं था उसको। सी सेज, वह कहती है, बट दैट डजंट एक्सप्लेन हाउ सी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जैपनीज। और वो जो मतलब कि प्रबंध कर सकती थी या वो व्यवस्था कर सकती थी किस प्रकार की भाषा को सीखने में, फ्रेंच और जैपनीज की, मतलब वो भाषा, उस भाषा को भी समझ सकती थी। एज फॉर म्यूजिक, संगीत के लिए, सी एक्सप्लेन, अब संगीत के लिए वो बताती है कि इट पावर इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, कि यह है तो मेरे शरीर के अंग अंग में मिलता है। इट टिंगल्स इन द स्किन, यह मेरे स्किन को, यानी कि मेरी स्किन में भरा हुआ है। माई चीक बोन्स, मेरे गालों की हड्डियों में भरा हुआ है। एंड इवन माई हेयर, और मेरे बालों में भरा हुआ है। When she plays the xylophone, जब वो xylophone बजाती है, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips। और जो sounds होता है, जो उसकी आवाज़ जो होती है, वो पास होकर उसकी लकड़ियों की जो stick होती है, जो बजाने का जो instrument होता है, उससे वो निकल कर कहाँ आती है, उसकी उंगलियों में आ जाती है। By leaning against the drum, जब वो drum के ऊपर झुकती है, सी कैन फील द रिजोनेंस फ्लोइंग इन टू हर बॉडी। और जो उसका रिजोनेंस होता है, उसकी जो तरंग होती है, वो उसके शरीर में आती है। और ए वुडन प्लेटफार्म, लकड़ी के प्लेटफार्म पर, सी रिमूव हर शूज, उसके जूते को निकाल देती है वो, सो देट सी द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग्स। और जो साउंड होगा, वो वाइब्रेशन होगा, कंपन जो होगा, वो क्या है, उसके शरीर, उसके पाँव के जरिए उसके शरीर में आ जाएगा। नेक्स्ट 8th पैराग्राफ में लिखा हुआ है, नॉट सरप्राइजिंग एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंस। केवल वह अपने श्रोताओं को आश्चर्यचकित नहीं करती। इन 1991 में सी वाज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहारमोनिक सोसाइटी प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। उसने 1991 में फिलहारमोनिक सोसाइटी में उसने अपनी एक प्रस्तुति दी थी अवार्ड के लिए। सेज मास्टर परक्यूशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स, अब यहाँ पर जो तालवादक जेम्स ब्लेड्स बोलते हैं, गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग,
कि भगवान उसके सुनने की शक्ति ले सकते हैं, बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, लेकिन उन्हें कुछ असाधारण बात भी दी है, मतलब असाधारण तत्व भी उसमें दिया है। व्हाट वी हियर, जो कि हम सुनते हैं, सी फील्स, वो महसूस करती है, फार मोर डीपली, बहुत ही गहराई से, देन एनी ऑफ अस, जो कि हम में से अलग है। दैट इज़ वाई, क्योंकि इसलिए सी एक्सप्रेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली, क्योंकि इसलिए कि वह संगीत को बड़े ही सुंदर तरीके से अभिव्यक्त करती है। एवलिन कन्फेसेस दैट, एवलिन मानती है कि सी इज समथिंग ऑफ ए वर्कोलिक, वह एक कार्य करने वाली है। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, मुझे अभी और कार्य करना है, ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियंस, और उसे क्लासिकल जो हार्ड है लगता है उसे, उस संगीत को सीखना है, बट द रिवार्ड आर इनॉर्मस, लेकिन उसके जो पुरस्कार हैं वो विशाल हैं। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट, और उसके जो नियमित प्रोग्राम कार्यक्रम की वजह से, एवलिन आल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट इन प्रिजन्स, वो अपने कार्यक्रमों को प्रस्तुति करती थी जेल के अंदर एंड हॉस्पिटल्स, अस्पतालों में। सी आल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियन, वो सबसे पहले प्राथमिकता देती थी उन युवा संगीतज्ञों को। एंड रिसलिन ऑफ द बीथोवन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रंस एज, एक यहाँ पर एन रिसलिन और द बी वोथन नाम का एक फंड है, मतलब एक संस्था है, उसमें वो क्या करती थी, जो बहरे बच्चे हैं उनको डीप चिल्ड्रंस एज वहाँ पर कहती थी वो, उस फंड के अंदर, उस संस्था के अंदर। सी इज एनथिंग इंस्पिरेशन फॉर डीप चिल्ड्रन, सॉरी सर, सी इज़ ए शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डीप चिल्ड्रन, यानी वो एक चमकदार प्रेरणा थी, चमकने वाली प्रेरणा थी उन बहरे बच्चों के लिए। दे सी दैट, वे देखते हैं कि देयर इज नाउ हियर नाउ वेयर दे कैन नॉट गो, अब वो क्या कहती है कि देखो कि जहाँ तुम जाते हो दे कैन नॉट गो, जो कि वहाँ नहीं जा सकते हो। यहाँ कहने का मतलब उसका ये है कि कोटेशन टाइप दे रखा है, सी दे सी दैट, वे देखते हैं कि देयर इज नाउ वेयर दैट दे कैन नॉट गो, के वहाँ देखो जहाँ तुम नहीं जा सकते। टेंथ पैराग्राफ में कहा गया है, एवलिन ग्लेनी हैज़ ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्विस हर एज, यानी कि यहाँ पर ग्लेनी ने जो अपना कार्य पूर्ण किया था अपने डबल उम्र के लोगों से किया था। सी हैज़ ब्रॉट परक्यूशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा, उसने इस ताल वादक को जो है सामने लाया, इस ऑर्केस्ट्रा के रूप में सामने लाया, ताल को एक वाद एक नए ताल के रूप में प्रस्तुत किया। एंड डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट, और उसे प्रदर्शित किया कि इट कैन बी वेरी मूविंग, कैसे किया जा सकता है। सी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज, उसने उन लोगों को भी प्रेरणा दी हु आर हैंडीकेप्ड, जो कि विकलांग थे, वो विकलांग हैं। पीपल हु लुक टू हर एंड से, लोग जो उनको देखते हैं और कहते हैं, इफ सी कैन डू इट, यदि वह कर सकती है, आई कैन, मैं भी कर सकता हूँ। एंड नॉट द लेस्ट द सी हैज़ गिवन इनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस, और इस प्रकार से उसे दी गई, लाखों लोगों के द्वारा एक खुशी प्रदान की गई, और लाखों लोगों के द्वारा उसने खुशी ली गई उसके द्वारा। तो ये जो हमारा चैप्टर था एवलिन ग्लेनी वाला, बहुत अच्छा चैप्टर है, जिसको कहा गया है साउंड्स ऑफ म्यूजिक, साउंड ऑफ म्यूजिक है ना। इसके क्वेश्चन आंसर हम लोग अगले वीडियो में कर लेंगे, ठीक है, ओके।